कर्नाटक में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नीरव मोदी और किसानों की कर्ज माफी के बहाने बीजेपी को घेर रही है। कर्नाटक में कर्ज माफी पर अमित शाह और राहुल गांधी में जबानी जंग हुई। अमित शाह ने बीदर और राहुल गांधी ने बीजापुर में चुनावी रैली की। आज दोपहर रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी। कहा, राहुल साबित करें कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव है, इसके लिए अमित शाह और राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी के बहाने पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने 10 उद्योगपतियों का 1,40,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है, जबकि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। राहुल के बयान पर अमित शाह ने उन्हें चैलेंज किया। कहा, सरकार ने एक भी उद्योगपति का कर्ज माफ नहीं किया है, राहुल गलत कह रहे हैं। आप 1,40,000 करोड़ रुपया 10 लोगों का माफ कर सकते हो, मगर हिंदुस्तान के किसान का कर्जा 1 रुपया नहीं माफ कर सकते हो। मैं आप सभी को गारंटी देकर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद एक भी उद्योगपति का एक काणा पैसे का कर्ज हमने माफ नहीं किया है। श्री राहुल गांधी ठीक नहीं बोल रहे हैं।